शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संतोष जी, आपका ये वाला स्माइल हमको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है ना कि समझ में नहीं आता है कि आप हंस के देख रही हैं कि देख के हंस रही हैं। संतू जी सुनिए ना, एक दो हमारा ऐसा हीरो टाइप वाला बढ़िया वाला फोटो निकाल दीजिए ना, हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना। लीजिए, बिजी हूँ थोड़ी देर बाद। संतू जी, ऐसे तो कोई उधार मांगने वाले को भी ना नहीं बोलता जिससे आप डायरेक्ट ना बोल दी हमको। संतू जी, खींच दीजिए ना प्लीज एक फोटो, मैडम सर आ जाएंगे फिर थोड़ी खींच पाएगा आप। बाद में खींचती हूं ना। प्लीज संतू जी, लीजिए ना फोन, कर दीजिए। संतू जी निकाल लीजिए, संतू जी प्लीज कर दीजिए ना। संतू जी प्लीज, संतू जी मैडम सर। हम जान बुझ कर नहीं गिरा है ना संतू जी। चीते को देखो, पूछो उसको क्या किया। सुबह हुई नहीं कि तुम दोनों शुरू हो जाते हो पचर पचर पचर, क्या हुआ, चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है। पुष्पा जी, हम लोग जो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन आप जो किया है ना उसकी वजह से जानकीपुरम थाना में जो करिश्मा मैडम चिल्लाएंगी ना, हम भौकाल मचा देंगे। क्या भाई, अब हमने क्या किया। हमने क्या किया मतलब, पुष्पा जी आप फिर से दोनों टिफिन टांग कर ना यहाँ पर लेते आई हैं, भड़केंगी नहीं क्या करिश्मा मैडम। क्यों भड़केंगी। अरे भाई, बुलबुल पांडे अब ठीक होके आ रहा है ड्यूटी पे, तो करिश्मा जी आ ही जाएंगे आज यहाँ, तो इसीलिए हम दोनों टिफिन यहाँ लेकर आए। वैसे मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, करिश्मा मैडम के वेलकम के लिए मैंने एक हार्ट शेप का ग्रीटिंग कार्ड और एक टेडी बेयर रेडी रखा है। मुबारक हो। अरे जय मैडम। जय हिंद जय हिंद। मुबारक हो करिश्मा सिंह, फाइनली हमारे थाने वापस आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए कुछ अच्छी सी तैयारियां की है या नहीं, और जोर इस्तकबाल तो होना ही चाहिए। मैडम सर, करिश्मा जी क्या कुछ नहीं बोल के गई आपको, फिर भी आप उनके लिए ऐसा सोचती हैं। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह एक बहुत ही होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है, और इस बात पर उनके दुश्मनों को भी शक नहीं। तो फिर हमारे बीच तो सिर्फ तौर तरीकों का मन मुटाव है। हम उनके काम की, उनके जज्बे की पहले भी इज्जत करते थे और आज भी उतनी ही इज्जत करते हैं। इसलिए हम दिल से बहुत खुश हैं कि करिश्मा सिंह वापस आ रहे हैं। जैसे ही बुलबुल पांडे अपने थाने पहुंचेंगे, करिश्मा सिंह यहाँ के लिए निकल जाएंगे। बस इतने ही लोग ना, मतलब हमारा स्वागत के लिए आए हैं या हमारा आरती को कांधा देने के लिए। तुमको 5,000 रुपए दिए थे मैंने भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जो हमारा जय जयकार करेंगे है कहाँ। अबे लीचर, गिरा हुआ कमीना आदमी, दो कौड़ी का इंसान, 5,000 के चिड़िया के चुगे में आता ही का है बे। अबे दिमाग में भूसा भरा है का। ऐसा आप हमको कहेंगे जब हम आपको बताएंगे कि आधा पैसा इसके पेट्रोल में खर्च हो गया और आधा पैसा इस गाड़ी को बुक करने में जिस पर आप बैठे हैं, हालांकि बैठने की औकात नहीं है आपकी। वैसे सर, शहर के एक एक आदमी से आपके स्वागत के लिए बात किए थे, लेकिन कोई नाटक तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लीचड़ कमीना दो कौड़ी का गिरा हुआ इंसान, इसका तो हम झूठ मूठ का भी स्वागत ना करें। गवाह ना, मतलब अंदर एकदम ज्वालामुखी भरा होगा। नहीं, इतने दिनों से हम जो थे नहीं तो गाली किसे दे, कोसे किसे, मुंह से बेइज्जती किसकी करे, है ना। अरे कैसी बात करते हैं सरकार, अरे आप तो हमारे भगवान हैं भगवान। पता है आप बहुत बड़े वाले वो हैं। अफसर अफसर, आप हमारे अफसर हैं सर। हमारे साले हो ना तुम, वरना बताते। दीदी को फोन लगाए क्या। चलो चलो आगे चलो आगे चलो।
ठीक अरे गिरा हुआ आदमी हर जगह गिरता रहता है का कह रहा है हमारा मतलब है सर कि फिसल गए लगता है आप और तोमर हम पूरा रास्ता नोटिस कर रहे थे तुम नाच नहीं रहे थे अच्छा लग रहा तुम्हारा पेट में दर्द है ना मतलब हमारे आने का खुशी नहीं है का हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन और डायलॉग जो है वो मैच नहीं हो रहा हम तो बहुत खुश हैं सर आपके आने से एक मिनट अभी डांस करके दिखा देते हैं सर आपको क्या बात है ये बढ़िया है ना मतलब एकदम ऋतिक रोशन जैसा डांस किया ठीक सर तू बे टू हंड्रेड चला चला अंदर चलते चलिए हम कुर्सी हम रोजी रोटी हमारी जान निकल काहे नहीं जाती है सर हमारा मतलब है माला माला सर गले का माला निकाल दे हाँ ठीक है ठीक है फोटो पे डाल दे सर स्वर्ग का अनुभूति प्राप्त हो रहा बहुत मिस किए थे इस कुर्सी को बहुत मिस किए भाई जो भी हो औरतों का एक बात कमाल का होता है ये जहां पे भी जाती है ना साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है सही बोले नहीं तो नाले में रहने वाला कहां जाने साफ सफाई के बारे में हम सर इसके लिए बोले इसके लिए मुंह का साफ सफाई नहीं रखते हैं और डिपार्टमेंट को भी ये बात अच्छे से पता है इसीलिए तो करिश्मा सिंह को यहाँ भेज दिया साफ सफाई करने के लिए अब देखा औरत का हाथ लगा तो थाना कैसा चमचमा गया अरे भाई औरतें इसी काम के लिए बेस्ट है ना मतलब घर का साफ सफाई करना खाना वाना पकाना औरतों को यही करना चाहिए बस जय हिंद मैडम जय हिंद उठिए अरे बिस्खोपड़ा उठने के लिए बोलिए उठ जा हमको बोली शायद लगता है उठिए हमको कह रही है जिसका थाना है जो इस थाने का इंचार्ज है उसी को उठने को कह रही हो दिमाग ठिकाने पे है या चार दिन का चांदनी ने ब्लैकआउट कर दिया है ससुरत तुमको फोन और चिपक जाए निकालो जल्दी कोशिश करो अच्छा अच्छा रुको रुको एक मिनट सर का कॉल रिसीव तो करने दो कब से घंटी बज रही है हेलो जय हिंद सर जय अरे क्या क्या सॉरी सर हम आपसे कुछ नहीं कह रहे आप बताइए सर आपने कैसे फोन किया आपको ये बताने के लिए फोन किया है डिपार्टमेंट चाहता है कि करिश्मा सिंह कुछ और समय के लिए उसी थाने का कार्यभार संभाले एक मिनट क्या सर करिश्मा सिंह का कार्यकाल अभी कुछ और दिनों के लिए जानकीपुरम थाने में बढ़ाया जा रहा है ये ऑर्डर तत्काल आदेश पर जारी हुए करिश्मा सिंह को भी मिल गए होंगे ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए जय हिंद सर इस सरकारी आदेश देखने के बाद आपका कुछ टाइम के लिए ब्लैकआउट होने वाला है का है ना कि ये जो कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं ये थाना के थाना प्रभारी का है और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगला सरकारी आदेश आने तक ये कुर्सी हमारा है
लग गई, फिर करा ली सीधे मुंह पे बेइज्जती। अबे कितना बेइज्जत होगा, कितना जलील होगा एक औरत के हाथों, जाके डूब मर। ऐसा सर आप हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो? उठिए बुलबुल जी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अबे इधर आ जा, मतलब इधर आ जाइए सर। क्या कह रहे थे आप? ये बता रहे थे कि औरतें बर्तन कितना अच्छे से धो सकती हैं। बस हाँ, आप ये कह रहे थे कि औरतें जो है वो घर का काम साफ सफाई करने के लिए ही बनी है। लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा है? बुलबुल जी एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि कहा है ना कि औरतों को ये स्पेशल हुनर मिला है भगवान से। समझ रहे हैं आप बात को? अब हमें देख लीजिए, घर का सफाई हो या समाज का सफाई, बड़े मन से करते हैं हम। इस थाने में आके भी हमने जो तीन चार कीड़े मकोड़े थे ना, वो भी कैसे ऐसे सफाई कर दी। वाह का? कुछ नहीं। वक्त, करिश्मा सिंह जी, ये वक्त जो है ना, ये बहुत कमाल का चीज होता है। आज आपका है, कल हमारा होगा, और जब हमारा होगा तो प्रलय मचा देंगे ये बुलबुल पांडे, बता रहे हम आपको। बुलबुल पांडे ये अपमान कभी भूलेगा नहीं, 100% इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा, ये वादा है हमारा। बहुत अकड़ है ना आपको अपने आप पर, ये अकड़ हम तोड़ के रहेंगे। और ये थाना और ये हमारा कुर्सी हम आपसे लेकर रहेंगे। का? कुछ नहीं मैडम, अच्छा लग रहा है। कुछ दिन और आप यहां रहेंगे दीवाने के साथ? नहीं, मतलब इस थाने के साथ अनुशासन में रहेगा थाना। माफ कीजिएगा मैडम सर, वो कोशिश करने में हमें लगता है कि करिश्मा सिंह को भी वापस आने में कुछ दिन और है, और उस नाटपिटे राजवीर को करिश्मा जी को और थोड़े दिन सहना पड़ेगा। पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने करिश्मा सिंह की काबिलियत को समझा है, उसे सराहा है, उनका ट्रांसफर आगे बढ़ा करना, ये उनका मान रखा है। तजुर्बा कहता है हमारा कि अच्छे काम की पहचान खुद वो काम और उससे मिले नाम में होती है। ये बहुत फक्र की बात है कि डिपार्टमेंट ने बुलबुल पांडे से ज्यादा काबिल और ज्यादा जिम्मेदार करिश्मा सिंह को समझा है। तू कहां आ रहा है हमारे पीछे? आ नहीं, जा रहे हैं। कहां जा रहा है? जहर लाने के लिए। काहे कि अब इतनी बेइज्जती के बाद तो आप जहर ही खाइएगा। जहर? जहर तो हम घोलेंगे उस करिश्मा सिंह की जिंदगी में। तू भी इतना घातक जहर कि ना उगल पाएगी ना निगल पाएगी। बहुत ही घमंड है ना उसे अपने औरत होने का, अपने महिला पुलिस थाने पे। तो हम भी उसे दिखा देंगे कि ये बुलबुल पांडे का चीज है। उसके महिला पुलिस थाने की इज्जत को, उसके मान सम्मान अभिमान को रौंद कर ना रख दिया ना, तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। इस तरह से बीच में सड़क पे क्यों रुके हो? मम्मी कहाँ हैं आपकी? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। क्या? और जब तक आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिखोगी मैं घर नहीं जाऊंगा। आपको मेरी कंप्लेंट लिखनी ही होगी। स्नैकिंग टाइम, स्नैकिंग टाइम, स्नैकिंग टाइम। ये आवाज किसकी थी?
मेरी मम्मी की, ताकि मैं हर चीज टाइम पर कर सकूं। आप ये सब छोड़िए और बताइए कि आप मेरी कंप्लेंट लिखेंगी या नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, हम लिखेंगे तुम्हारी कंप्लेंट। पहले जरा साइड में आ जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को जगह मिले। आप ही एक मिनट पकड़ेंगी। बस 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 ओके। तो सबसे पहले बताओ आपका नाम क्या है? आरव। आरव ओके। अब ये बताइए कि आप किससे इतने नाराज हैं? आपको किसके खिलाफ कंप्लेन लिखनी है? मुझे इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट पे कंप्लेन करना है। आप पूरे सिस्टम से नाराज हैं? नाराज नहीं, बहुत गुस्सा हूँ। और मैं ही नहीं, मुझ जैसे बहुत सारे बच्चे गुस्सा है। पर क्यों, क्या हो गया ऐसा? जब से बड़ी बीमारी है ये, लाइफ हेल करके रख दी है सिस्टम ने, तो घर में बंद करके रख दिया है। ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। स्कूल नहीं, पार्क नहीं, मॉल नहीं, बर्थडे नहीं और पार्टी नहीं। पूरा दिन बस घर के अंदर बंद। ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ढेर सारा होमवर्क। मैंने बुक में पढ़ा है कि आजादी हमारा बर्थ राइट है, हमें आजादी चाहिए। वी वांट जस्टिस। अरे आपको पता है कि सिस्टम क्या होता है? हाँ, पुलिस होती है सिस्टम। तो आप पूरे पुलिस फोर्स के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हो? नहीं। सिर्फ इनके खिलाफ। देखो बहुत हुआ तुम्हारा, कंटेनमेंट जोन है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, समझो हमारी बात। और ज्यादा जिद किया तो हमको ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें सीधा हवालात में डालेंगे। अच्छा, बच्चे से ज्यादा गिरी, लॉकअप में डालेंगे आप मुझे? हाथ तो लगा के बताओ, इस पूरे बिल्डिंग के बच्चे हैं मेरे साथ। तुम्हारा बिलान भर छोकरा और तुम्हारा जवान चल रहा है एकदम कैची जैसा। फिल्मी डायलॉग हमको मारोगे तुम? घर जाइए वरना बता रहे हैं आपको। जा रहा हूँ और बाहर जाके सबको बताऊंगा कि पुलिस वाले बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तुम्हारी तो करिश्मा मैडम ने हमारी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया और हमारा खेलना भी बंद करवा दिया। मैं पहले उन्हीं के पास गया था अपनी कंप्लेंट लिखवाने, पर उन्होंने डांट के भेज दिया। अगर आपने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा। आरव, आप जानते हो ना कि आप जो कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? ब्लैकमेलिंग, और वो गलत काम है। इसे अपने अधिकारों की लड़ाई कहते हैं। अरे बाबा रे। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे साथ, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आओ। एक मिनट, बैग ले लीजिए। हाँ ले लो बैग, ले लो। मैडम सर क्या सोच रही हैं आप? हमें समझ नहीं आ रहा कि एक बात बताओ, जब आप दोनों बचपन में जिद करते थे तो आपके माँ बाप क्या करते थे? नहीं नहीं मैडम सर, हमारे बाबूजी को ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। अच्छा, आप इतनी आसानी से मान जाते थे? हाँ, हमारे बाबूजी खींच के चक्कर मारते थे, हम बोलते थे हाँ ठीक है, जो बोलेगा हम करेंगे। जी संतोष शर्मा, आपके पेरेंट्स क्या करते थे? लड़ते थे। आपसे? नहीं नहीं नहीं, आपस में लड़ते थे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे कि तुम पर गई है, तुम पर गई है, ऐसे। शांत हो जाइए। जय मैडम, बच्चे के माँ बाप के साथ बात हो गई, वो कह रहे कि फिलहाल वो 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर है, तो किसी भी तरह बहला फुसला कर उसे घर भेज दे। यही तो परेशानी है ना पुष्पा जी, वो बच्चा खुद सुनने को समझने को तैयार ही नहीं, बस जिद लगाकर बैठा है कि करिश्मा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। मगर अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, बच्चा है, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। आप सही कह रही हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोशिश करते हैं उसे फिर से मनाने की, तब तक आप प्लीज करिश्मा सिंह को फोन करके बताइए जो कर रखा है उन्होंने। जी मैडम, अभी करते हैं। नहीं नहीं वाकई, आपने भंडारे के लिए हमें इतनी अच्छी जगह दे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना बारिश में तो ये सब खराब हो जाता। हम शुक्रगुजार हैं मैडम, जहाँ पे महिला पुलिस थाना को मदद करने का हमें मौका मिला। और भी कुछ मदद की जरूरत हमें याद कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी ये लीजिए बची हुई सारी सब्जियाँ। जी, आटा है, चावल है, दाल है, सब है ना? नरेश फिलहाल तो जरूरत नहीं है। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा। जय हिंद मैडम। जय हिंद।
पुष्पा जी बता रही थी कि आपके पास कोई बच्चे का वो वीडियो क्लिप। ये देखिए, कंटेनमेंट जोन है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो हमारी बात को? और ज्यादा जिद किया तो हमको ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें सीधा हवालात में डालेंगे। आप जानती है ना करिश्मा सिंह कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो आपकी, आपके थाने की इमेज पर कितना खराब असर हो सकता है। पुष्पा जी नमक कहाँ है? नमक नहीं मिल रहा, नमक डालना है। आप हमारा चिंता मत कीजिए मैडम सर, हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है और हम संभाल लेंगे। करिश्मा सिंह सच में बताइए, आपको वाकई लगता है कि आप इतने छोटे और इतनी जिद्दी बच्ची को इतनी आसानी से समझा लेंगी? आंवला का चटनी कहाँ रखी है पुष्पा जी? सारा चटनी खत्म हो गया, चटनी मांग रहा है। मैडम सर, आपको हमारी काबिलियत पर कब भरोसा था जो आप आज करेंगी? अगर आपने बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ा होता ना तो आपको पता होता कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है। उनके साथ बैठो, उनको समझो, उनके साथ बात करो और उनको जो चाहिए वो उनको दे दो। और जब उनको वो चीज़ मिल जाता ना, वो बहुत खुश हो जाते और खुशी खुशी में सारी बातें मान लेते। केस सॉल्व मैडम। करिश्मा सिंह, ये जो हमें लगता है कि आप इस बच्चे को समझाने में अच्छे से कामयाब होंगी, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा थाना है। अब हमें बच्चे जैसा समझाना बंद कीजिए मैडम सर, हम जानते हैं ये आपका थाना है। जय हसीना मैडम। नमस्कार। जय हिंद। सब कुशल मंगल? मतलब आपको खोजते हुए हम महिला पुलिस थाने गए थे, वहां पता चला कि आप यहाँ है तो यहाँ आ गए। करिश्मा सिंह जी भी यहाँ है तो उनका भी शुभकामना मिल जाएगा। किस बात का शुभकामना? डिपार्टमेंट चाहता है कि कुछ दिनों के लिए हम आपकी छत्र छाया में रहें, आपसे कुछ सीखें, आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर आपके महिला पुलिस थाने में कर दिया गया।